जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से लोग हैं जो आपको बर्बाद कर सकते हैं, एक अच्छे खासे जीवन को तबाह कर सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का कोई ये मतलब नहीं कि आपको डराना है। सही बातें आप अगर पता लग जाएगी तो कोई परेशानी अगर हम पर आ रही है उससे पहले हमें सूचना और जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जब हमारे साथ कोई घटना घटित इस विषय को लेकर हो जाती है फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता और पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये चार बातें जानकर, ये चार लोगों को जानकर आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं और आपके आगामी जीवन में आप कभी भी इस तरह का कोई सामना चीज़ नहीं कर पाएंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, हो या ना हो लेकिन कमेंट्स में आप बाबा भोलेनाथ का नाम जरूर लिखें। ये मेरी जिद है, कुछ हो या ना हो ईश्वर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मुझसे बात करना चाहते हो, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें, कोई भी परेशानी अगर आप जीवन में चल रही है तो एक सकारात्मक परिणाम आपको मिल जाएगा। ज़रूर आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, जय श्री महाकाल लिखते, वहाँ से आप कनेक्ट हो पाएंगे। कहना चाहती हूँ कि वो कौन से चार लोग हैं जो सबसे हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जो लोग आपको किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं। अब यहाँ से पूरा वीडियो को देखना, नहीं तो चीज़ें एक एक जो है स्टेप बाय स्टेप छूट जाएगी। कि वो लोग जो हमारे सामने किसी अन्य की बुराई करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा कहा, उसने ये कहा और वो इस तरह से या इस तरह से है, वो लोग डेफिनेटली दोस्तों आपके बारे में भी अन्य को यही इस तरह, क्योंकि जो व्यक्ति किसी अन्य की बात हमारे पास आकर कह रहा है तो ज़रूर वो व्यक्ति हमारी भी बात अन्य के पास कह रहा है। तो इन लोगों से सावधान होना, क्योंकि कई बार ये लोग अपनी तरह से बातें जोड़कर किसी व्यक्ति को प्रेषित कर देते हैं कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था और उसने तो ऐसा एक्सप्रेशन दिया और उसने तो ये बात कही। और ये चीज़ बहुत सोचने में और समझने में बहुत सिंपल लगती है लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, क्योंकि मन की जो गठाने हैं जो दिमाग में किसी भी व्यक्ति के प्रति एक बार दरार हो जाती है इन ओछी बातों से, उसको भर पाना मुश्किल, क्योंकि वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में आपका नज़रिया बना देगा कि ये तो ऐसा ही है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। तो पहले लोग इनसे, दूसरे लोग हैं पार्टनरशिप। अब यहाँ से पार्टनरशिप के लिए भी पूरी बात को सुनिएगा। पार्टनरशिप है अच्छा व्यापार के लिए, दुनियादारी के लिए, पार्टनरशिप इस लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पार्टनरशिप में शादी और ब्याह की पार्टनरशिप की बात नहीं कह रहा हूँ, व्यापार बिजनेस कई बार इसी की पार्टनरशिप की बात कह रहा हूँ बोलता है। ये हमेशा चाहे अच्छा दोस्त हो, भाई हो, सगा हो, कोई भी हो, वो लिखित जरूर करें, वो लिखित दस्तावेज में जरूर करें। उसमें लाभ हानि जो भी चीज़ें, जो भी हमारे पास चीज़ें, वो एक लिखित फॉर्म में जरूर रख लें या लिखित फॉर्म में उसका पूरा जो भी कानूनी प्रक्रिया उसे पूरा कर लें। क्योंकि अधिकतर पार्टनर जो है व्यापार चलने के बाद या तो धोखा दे देते हैं या हानि आप पर मढ़ देते हैं, लाभ हानि चोरी और इस तरह के लोगों के साथ ज़्यादातर मैंने एनालिसिस में देखा है, कई सारी कुंडलियों के एनालिसिस में ये चीज़ें मैंने सुनी। इसलिए ये लोगों से बिल्कुल सावधान कि आप लिखित करें, दोस्ती संबंध अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है, ये दो चीज़ों को अलग अलग रखें। तीसरी बात है कि उन लोगों से दूरी बना के रखें जिन लोगों ने आपको एक बार धोखा दे दिया और फिर आप उन पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि जो एक बार धोखा दे सकता है फिर देगा। इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधानी जीवन में बना